हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ, ये हमारे एक तरीके से फॉर्मेशन दे रखी फंक्शन की, इज सॉल्व करने पर बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, हम इसमें यूज़ करेंगे बोडमा, जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अंदर वाले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमें दे रखा है थ्री माइनस फोर ब्रैकेट, थ्री माइनस फोर की पावर फोर एंड होल का ब्रैकेट पावर क्यूब, थ्री माइनस का फोर। देखो, थ्री में से फोर माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस की वन की पावर फोर, ऊपर पावर थ्री, थ्री माइनस। अब माइनस वन की पावर फोर है, जिसका मतलब है माइनस वन को माइनस वन से चार बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस वन हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस वन हुआ, वन इंटू वन पॉजिटिव का वन होगा, तो वन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर वन जा फोर, ऊपर पावर थ्री है, वन थ्री में से फोर जाएगा, बचेगा माइनस का वन, ऊपर पावर थ्री है, जिसका मतलब है माइनस वन को मल्टीप्लाई करना माइनस वन से तीन बार। माइनस इंटू माइनस प्लस एक आया, माइनस का वन, प्लस माइनस माइनस एक एकम एक, मेरा आंसर आया माइनस का वन, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, और क्वेश्चन नंबर 8 मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है द क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि जो 125 है इसका तो होना चाहिए क्यूब रूट, और इसमें डिवाइड देना है स्क्वायर रूट, इसे कहते हैं स्क्वायर रूट, किसका, 25 का। अब देखो, इसका मतलब है कि हम इसके अगर फैक्टर करते हैं, 125 है, क्यूब रूट को हम इस तरीके से ले सकते हैं पावर 1/3, और 25 को हम लिख सकते हैं 1/2। 125 के मैंने फैक्टर किए, 5 का डिवाइड दिया 25, 5 का डिवाइड दिया 5, 5 का डिवाइड दिया 1, इसकी पावर एक 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 पावर हो गई यहाँ पे 3। तो 125 को लिखूँगा मैं 5 की पावर 3 या 1/3। 25 के मैंने फैक्टर किए, 5 5 25 एंड 5 5, तो इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, पावर कितनी हुई 2, और बाहर भी कितना है 1/2। 3 से 3 मेरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया 1, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इफ़ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 625 देन वाई इज, तो बताओ वाई की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 625, वाई पे से स्क्वेयर हटेगा तो सामने वाले पे जाता है स्क्वेयर रूट। अब 625 के किए मैंने फैक्टर, 5 का डिवाइड दिया 125 आया, 5 का डिवाइड दिया कितना आया 25, 5 का डिवाइड दिया 5 आया, 5 का डिवाइड दिया 1। देखो, अंडर रूट में से दो के पेयर में से कोई एक नंबर ही बाहर आता है, तो इन दोनों में से 5 बार आया, इन दोनों में से 5 बार आया, और अंडर रूट सॉल्व करने पे हमारी दो वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो 5 5 से 25, ये आई मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू निकल कर आ रही है, क्लियर है। अब ऑप्शन दे रखा है रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, नीदर रैशनल नॉर इरैशनल और नेचुरल नंबर। देखो, 1/1 करके इनकी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं नेचुरल नंबर को। देखो, जैसे कि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होते, ना डेसिमल में होते हैं ना फ्रैक्शन में होते हैं, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो जो मेरा नंबर आया है 25 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव होता तो नेचुरल होता, बट नेगेटिव है तो नेचुरल तो नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं रैशनल और इरैशनल की। देखो, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो। बट इसकी भी दो कंडीशन है, पहली टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि सॉल्व करने पर डेसिमल के बाद जो डेसिमल है वो एक जगह जाके रुक जाता है, कंटिन्यू चलता नहीं रहता, ठीक है, रुक जाता है, वो टर्मिनेटिंग होगा, रैशनल का पार्ट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब डेसिमल के बाद कंटिन्यू चलता रहेगा बट सेम रिपीट करेगा, जैसे 666 या फिर 0.757575 सेम रिपीट करता रहेगा, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो भी किसका पार्ट होता है, रैशनल नंबर का, ठीक है। बस कंडीशन क्या है,
पी बाय क्यू की फॉर्मेशन होनी चाहिए, जबकि हमारा इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, नॉन रिपीटिंग, सेम नंबर भी रिपीट नहीं करेगा, मतलब डेसिमल के बाद में जो भी नंबर आएंगे सेम नहीं आएंगे, अलग अलग नंबर होंगे, जैसे 0.01001001 या 3.25678342 मतलब उल्टे सीधे नंबर आएंगे, एक सीक्वेंस में नहीं आएंगे, उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। हमारा जो आंसर आया पॉजिटिव का 25 है, नेगेटिव का आया है, नीचे कुछ नहीं वन मान लिया मैंने, तो इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये मेरा कौन बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्मेशन बन रही है तो, ठीक है। इरेशनल में तो डेसिमल के बाद में जो नंबर आते हैं उल्टे सीधे होते हैं, जबकि ऐसा तो इसमें कुछ हो नहीं रहा, तो मेरा जो ऑप्शन यहाँ पर मैच होगा वो ए होगा, बी तो होगा नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर तो है नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऑप्शन सी था नीदर रैशनल नॉर इरेशनल, मतलब ना तो ये ना तो ये। अब हमारा ऑप्शन ए मैच हो गया, तो ऑप्शन सी होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा मेरा ए। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।